वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब क्लास मुकेश चौधरी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास मैथमेटिक्स में से टॉपिक चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के तरीके और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम एचसीएफ और एलसीएम का अलग कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिसमें कल वाली क्लास में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं उसके मेथड के अनुसार आपको बताया गया था। आज की क्लास के अंतर्गत मैं आपको अनेक प्रकार की क्वेश्चनों और कॉन्सेप्ट कराता हूं, जिसमें क्या महत्वपूर्ण आपकी चीज रहती है और क्या नहीं। यदि आप चैनल के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट बार हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और जितने भी लेक्चर बने हुए हैं उनको आप कंटिन्यू रूप से लेते रहिए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होती रहे और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व को वह आप मुझे मेरे सामने बताए। हाँ, तो आज हमारी क्लास के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत कल डिटेल के पूर्ण रूप से डिटेल की थी। आज पता है कि इसके महत्तम समापवर्ती बोलते हैं और इसे लघुतम समापवर्ती बोलते हैं, जिसमें एचसीएफ एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या को छांटा जाता है। एलसीएम को छोटी बड़ी संख्या को कोई रोल नहीं होता है, इसमें अनेक प्रकार की संख्या को कॉमन फैक्टर को देखकर भी निकाला जा सकता है। आज हम क्वेश्चन के अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसी के अंदर, कि यदि आपके पास कोई एचसीएफ दे दिया जाता है, एचसीएफ या एलसीएम दे दिया जाता है, उन संख्याओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की संख्या दे दी जाती है, डिजिट दे दिया जाता है, और उन डिजिट के देने के बाद आपको कुछ ऐसा या डिवाइड करने पर इन संख्याओं में भाग देने पर आपके पास कोई शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उस शेषफल के अंतर्गत या उसे जोड़ने पर या उसे घटाने पर क्या एचसीएफ और संख्या के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं वह क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। वह छोटी सी छोटी आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंतर्गत चार छ आठ बारह चार छ आठ बारह को 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाई 16 से भाग देने पर आठ चार वह संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाग दिया और प्रत्येक दशा में आपके पास रिमाइंडर शेषफल 2 बचता है, तो वह आपको संख्या निकालनी है कि आपके पास शेषफल भी 2 बच रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यह संख्या आप इस तरह से करने पर आप इसमें किस प्रकार से एलसीएम निकालोगे या इसमें क्या एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी या एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी जाती है और उसमें कोई कंडीशन नहीं रखा जाता है तो आप आमतौर पर उसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, आप आमतौर पर उसका एलसीएम निकालोगे। यदि कोई आपको स्थिति के बारे में या परिस्थिति के अंदर दे दिया जाता है तो आप एचसीएम निकालोगे, लेकिन यहां आपको कोई इस प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है कि आप एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। खास तौर पर हम एलसीएम की ओर चलते हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी प्रभावित होती है। अब मैं आगे बताऊं कि यहां चार छ आपका आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 6 8 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, अच्छी तरह से जाना कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले इसका इजीगलन करने पर आप इतनी बड़ी संख्या लेने के बजाय आप वह संख्या उठाइए जहां बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास आती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या आती है आपके पास 16 है। अब यहां देखिए आप 4 और 8
12, 8 और 6 और 4, यहां आपको पता है कि 2 इंटू 2 12, इसी प्रकार ये हो रहा है, इसी प्रकार ये है, यह हो रहा है, मतलब दो 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 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो यहां आपको गुणनफल करने की आवश्यकता कहां पड़ रही है, तो मैं बताऊं कि जहां आप 16 का करोगे वहां 2 के अंतर्गत भी आ रहा है, ठीक है, 2 के अंतर्गत भी आ रहा है। अब यहां वह कौन सी संख्या है जो इस 16 के डिवाइड के अंतर्गत या 16 का आप एलसीएम निकालते हो उसके अंतर्गत नहीं आती है, वह आपकी संख्या इस एलसीएम के 12 के अंतर्गत 3 संख्या है जो इसके अंतर्गत नहीं है, और नहीं आ रही है तो उसी संख्या को इससे गुणा कर दिया जाता है, तो आपका 48 यहां एलसीएम आ जाता है। 4 6 8 12 16 का एलसीएम 48 आए। अब यह संख्या 48 आने पर आपको पूछना क्या है, आगे क्या करना है, आगे की प्रोसेस मैं बताऊं, आपको वह संख्या बताना है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है जिसमें आपको शेषफल 2 बचता है। तो यहां आपका शेषफल, इसका महत्वपूर्ण पैटर्न है कि इसका आगे पैटर्न है कि जब भी आपका एलसीएम निकाला जाता है उसके अंतर्गत जो भी आपके पास शेषफल रिमाइंडर बचता है या वो संख्या दी गई होती है वो जोड़ दिया जाता है। तो यहां आपके पास 48 है, इस 48 के अंतर्गत जो भी आपका एलसीएम शेषफल रिमाइंडर दिया था वो जोड़ा जाता है और आपको वह संख्या मिल जाती है। इसी संख्या को हम 50, जो संख्या वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसे हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और यहां एक कंडीशन और दी गई थी कि प्रत्येक दिशा के अंतर्गत 2 शेषफल बचने चाहिए। आप आमतौर पर एलसीएम निकालिए इसका, जिससे आपका सरलीकरण आसानी से हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसी प्रकार क्वेश्चन है कि इसमें प्रत्येक का भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, वह संख्या कौन सी है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 या 12, 15, 20 व 54, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में वह कौन सी, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक दिशा में भाग देने पर आपके पास 4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है। अब यहां आपको समझने की बात क्या है, आप कौन से प्रोसेस को उठाओगे, वहां मैंने आपको बताया था आपको बड़ी से बड़ी संख्या उठाना है, इसमें यही है कॉन्सेप्ट की बात, एलसीएम निकालना है हमारे को, एलसीएम निकालना है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को उतारोगे। बड़ी से बड़ी संख्या को उतारने पर आपको मैं भी यह बताऊं कि इसके टुकड़े किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके टुकड़े किस प्रकार से किए जाते हैं, 3 × 3 = 27 और इंटू 2 = 54, ये हुआ। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि 5 × 20, यानी यहां 20 आ रहा है, इसका गुणनखंड 5 × 4 आ रहा है। इसी प्रकार आपके पास मैं बताऊं कि 15 का क्या आ रहा है, 15 का आ रहा है 5 × 3। इसी प्रकार आपके पास 12 का गुणनखंड आ रहा है 2 × 2 × 3, यही आ रहा है। तो आपको वह सबसे बढ़िया और वह सबसे छोटी संख्या उठानी है जहां आपको कॉमन फैक्टर मिल रही हो और इस डिवाइड के अंतर्गत मिल रही वो संख्या नहीं मिल रही हो, ठीक है। तो आप यहां देखिए कि आप कौन सी संख्या उठाना चाहोगे, क्या 54 के अंतर्गत 20 या 4 मिल रहा है, बिल्कुल अवश्य रूप से मिल रहा है, 4 का डिवाइड करोगे तो अवश्य मिल जाएगा, यहां 5 नहीं मिल रहा है तो आप इससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं कि 15 के अंतर्गत 5 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, यहां 5 मिला और यहां 3 मिल गया, तो इसका काम हो गया, क्लियर हो गया ना, इसका काम क्लियर हो गया। अब यहां देखो कि 12 है, 2 कितनी बार मिल रहा है और 3 कितनी बार मिल रहा है, यहां आपको 2 एक बार मिल रहा है, ठीक है, 3 आपके पास यहां मिल रहा है, तो यहां आपके पास 2 बार आए थे तो वहां मल्टीप्ले गुणनजेशन में आपका 1 यानी 2 शेष पर फिर से बच रहा है, तो आप इसको 10 से गुणा कर दोगे। यहां आपके पास कितने आंसर हो रहे हैं, यहां आपके पास कितने आंसर हो रहे हैं,
यहां आपके पास कितने आंसर हो रहे हैं, 10 × 54 यानी 554, 540, ये आपके पास 540 आ रहे हैं। अब यहां संख्या मैंने आपको पैटर्न ये बताया था कि जो भी आपके पास एलसीएम है या एचसीएफ है उसके अंतर्गत जो भी आपको रिमाइंडर पर्सन के अंतर्गत दिया गया था वो रिमाइंडर आपको जोड़ना है, तो आप इसके अंतर्गत वो रिमाइंडर जोड़ोगे तो आपके पास फाइनल आंसर 544 आंसर आ जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन का वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसके अंतर्गत आप 12, 15, 20, 54 का डिवाइड करने पर आपके पास 4 शेष पर बचते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां हर क्वेश्चन के अंतर्गत लॉजिक होता है और हर क्वेश्चन के अंदर नए नए वेरिएशन आपको सीखने को पड़ता है, सीखने को मिलते हैं। तो आप देखो, दो क्वेश्चन में कराता हूं, फिर यहां अलग तीसरी चीज आती है, तो आप समझिए उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकते। आपको टाइम का वैल्यू को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आए पढ़ाने में या आपको समझने में, तो आप उस वीडियो को स्किप न करके लगातार उसको सुनिए और आप एकदम क्लियर शांतिपूर्वक ध्यान से समझिए और उस क्वेश्चन को करिए। फिर आपको यदि फिर से आपको दुविधा आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जहां आपको आपकी दुविधा का समाधान हो सके। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके पास अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। कोई आपको संख्या दे दी जाती है, उन संख्याओं के अंतर्गत यानी 1 से 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या, वह 4 अंकों की संख्या कौन सी है जिसके अंतर्गत उतने का भाग देने, उस संख्या का भाग देने पर वह शेषफल बचता है या वह विभाजित हो जाती है या वह किस विभाजिकता का नियम का पालन करता है। अब विभाजिकता का नियम का पालन, यहां विभाजिकता का पालन का यानी भाजकता का नियम का, डिविजिबिलिटी का नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने आपको भाजकता का जो नंबर सिस्टम आपने चालू किया था, स्टार्ट किया था, उसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाजकता का नियम पूर्ण रूप से आपको समझाया गया है। आप यदि फर्स्ट बार हो चैनल पर तो यह भाजकता वाले नियम, डिविजिबिलिटी के रूल आप क्लियर किए, वहां से क्लियर किए, जबकि यहां हर बार दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम दोहराएंगे उसी चीज को दोहराएंगे तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां आपको अंकों की संख्या पूछ ली जाती है, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या दे दी जाती है, उसमें यदि 4 अंकों की संख्या है तो उसमें शेषफल इतनी संख्या का भाग देने पर शेषफल बचता है, वो यदि वह भाजकता का नियम का पालन करता है तो उसमें क्या शेषफल बचता है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। पांच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचते हैं। पांच अंकों की वह कौन सी संख्या है जिसे भाग देने पर 2 शेष बचता है, कितने शेष कितना बचा है, 2 शेष बचता है। ठीक है, भाग देने पर 2 शेष उतरा है। और यहां क्वेश्चन क्या था कि 5 अंकों की वह कौन सी संख्या है, 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है आपको। इन प्रकार के क्वेश्चनों के अंतर्गत आप एक सबसे पहले आपको प्रायिकता बोलूं कि बताऊं तो वह क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके 3 ऑप्शन होते हैं, 2, एक तो आप विभाजिकता का नियम होता है ना, यानी भाजकता, डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से, ठीक है, OPATION, ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, और तीसरा आप इसका एलसीएम या एचसीएफ निकाल के ऑप्शन से और भाजकता के नियम से, तीनों पैटर्न के आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप मुझे यह बताइए कि
तीन पांच आठ बारह से भाग देने पर दो शेष बचता है तो वह आपको पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो आप मुझे यहां आपको एलसीएम निकालना है सबसे पहले कि तीन तीन पांच आठ बारह का एलसीएम क्या होगा। यहां आपको मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या को उतारना है, कि बड़ी से बड़ी संख्या को उतारना है। आप बड़ी से बड़ी संख्या को उतारे तो यहां देखो कि आपके पास कौन सी वह संख्या मिल रही है। तीन इंटू पांच, सबसे पहले तो यह संख्या मिलती है कि पांच यहां कॉमन आ रहा है, और दूसरी चीज कि यहां दो कि दुगनी बार आ रहा है तो आपके पास दो भी यहां मिल रहा है। तो आपके पास पांच दस 120, यह 120 संख्या आपके पास आ रही है। ठीक है, 120 संख्या आपके पास आ रही है। अब मुझे यह बताइए कि आपके पास पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। पांच अंकों की से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो आप मुझे यही बताओगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99999। यह पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंतर्गत आप 120 है ना, इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा, आप निकालिए। तो हम इस 99999 के अंतर्गत 99999 के अंतर्गत आप 120 का भाग देने पर आपके पास जो भी रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट आपका काम यह भी कर सकता है। आपके पास देखो 12 8 96, ठीक है 12 8 96, फिर से 9 3, 12 3 39, 12 3 36, 360, फिर से वही 9, मतलब यहां शेषफल आपके पास 39 बचेंगे। ठीक है, 39 शेषफल बच रहे हैं, 39 शेषफल बच रहे हैं, तय से यह भाजक जो आपके पास आए हो, और 120 का डिवाइड, यहां 120 का डिवाइड क्यों किया जा रहा है, 120 का डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको पांच अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है उसके अंतर्गत 120 का डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर निकालना है। सबसे बेस्ट काम है कि आपका रिमाइंडर निकालना चाहिए, क्योंकि आपको परसेंट के अंतर्गत दे गया है कि चार शेष पर यानी दो शेष पर बचता है, प्रत्येक दशा में भाग देने पर इसके दो शेष पर बचते हैं, वह दो शेष पर किस प्रकार से बचते हैं। आपको आपको यहां देखो कि आपके पास यह संख्या घटाने पर क्या संख्या प्राप्त होती है, 99999 जिसके अंतर्गत आपको 39 शेष पर है वो घटाना है, 99960 यह संख्या आई, यह संख्या आपके पास आई। तो क्या यह आपका आंसर हो चुका, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको प्रश्न के अंतर्गत दो शेषफल दे रखा था, प्रत्येक दिशा के अंतर्गत आप उस संख्या से भाग दे रहे थे तो उसके दो शेषफल बच रहा था, वो तो उसको शेषफल को जोड़ना होगा, तो 99962 संख्या हुई जो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंतर्गत तीन पांच और आठ व बारह का डिवाइड करने पर यह संख्या आ जाती है। तो आपका क्वेश्चन यहां क्लियर कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे ये आशा लगती है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। क्या था इस क्वेश्चन के अंतर्गत, क्या नहीं था, सबसे सीधा फंडामेंटल मैं आपको बताऊं कि कोई आपको संख्या दे दी है तीन और पांच आठ बारह से डिवाइड करने पर आपको प्रत्येक समय आपको निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, फिर दूसरी कि पांच से डिवाइड करने पर प्रत्येक दिशा में आपको दो शेषफल बच रहा है, तो आपको पता है कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999 हो गई, 99999 हो गई, जिसे आपका एलसीएम 120 आ जाता है। उस 120 में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 39 शेषफल आ जाते हैं। अब 39 शेषफल आपको
सब्ट्रैक्ट करना है, उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट आता है उसके अंतर्गत ये जोड़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने आपको भाग की विधि से और एलसीएम की विधि से बताया ये क्वेश्चन। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर होगा, उस क्वेश्चन को मैं भाजकता का नियम जो आपको नंबर सिस्टम में शुरुआत की थी वहां उस नियम के आधार पर कराता हूं भाई, वह क्वेश्चन किस प्रकार से आधारित होंगे। पांच अंकों का वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें बावन, जिसमें बावन छप्पन इक्यानवे, बावन छप्पन इक्यानवे 78 इक्यानवे से विभाजित करने पर, बावन छप्पन अठहत्तर इक्यानवे से भाग देने पर दो शेष बचते हैं। सॉरी, आपको पांच अंकों का सबसे छोटी संख्या है जो बावन छप्पन अठहत्तर और इक्यानवे से पूर्णतः विभाज्य हो। पांच अंकों की संख्या निकालनी है आपको जो पूर्णतया क्या हो, विभाज्य हो। अब यहां आपको देखो, सबसे पहले आपको वह चीज नोट करनी है कि आपको इस संख्या के अंतर्गत, इस पर्सन के अंतर्गत क्या तो दिया गया है और क्या नहीं दिया गया। इस संख्या के अंतर्गत आपको प्रत्येक दशा में उसका भाग देने पर शेषफल नहीं दिया गया है, ठीक है, आसान काम यह हो जाता है। अब मैं यहां आपको ऑप्शन देता हूं कि कौन कौन से ऑप्शन आपको यूटिलाइज के रूप में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है कि 10,000, 10,002, 10,990, दूसरी आपके पास है 10,860, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 10,920 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बावन छप्पन अठहत्तर इक्यानवे, ठीक है, यहां आपको ऑप्शन के अंतर्गत देखना है वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी आपके, 10 होगी ना दो अंकों में, फिर तीन अंकों में 100 होगी ना, चार अंकों में 1000 होगी ना, पांच अंकों में 10,000 होगी ना, ठीक है, 10,000 होगी ना। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन निकालना है और किस प्रकार से नहीं है वो आपको मैं बताऊं। अब आप मुझे यह बताइए, इसके आप किस प्रकार से टुकड़ा कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, बावन के टुकड़े आप 13 × 4 चौक 52 इस प्रकार से टुकड़े कर सकते हो ना, बिल्कुल हम इस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं कि 13 × 4 यानी ये 12 का टुकड़ा है, 52 का है ये। अब इसी प्रकार 56 का आप टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हो, 56 के आप 8 × 7 से टुकड़े कर सकते हो। इसी प्रकार 78 आप 78 के किस प्रकार से टुकड़े कर सकते हो, आप 78 के टुकड़े कर सकते हो 13 × 78 इस प्रकार 91 13 × 7 = 91 ये आपके टुकड़े हुए। आप इसमें भाजकता का नियम भी लगा सकते हो, ये आपको टुकड़े हुए, इसमें आप भाजकता का नियम कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है देखो, 13 × 78 13 × 7 = 91 और 13 × 4 = 52 तो आप मुझे यह बताइए यह कौन सी संख्या है जिसमें आपका विभाजित करने पर आपको रूल नियम लागू कर देता है। तो वह आपकी संख्या है कि 8 की भाजकता नियम होता है ना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता था कि 2-4 सम संख्या हो और उनके अंतर्गत कोई सी भी संख्या का भाग जा सकता हो जिसमें कॉमन फैक्टर 2-4 और 2-4 का डिवाइडेशन भी ही जाए तो वह आपके 8 की डिविजिबिलिटी का रूल का नियम पालन करता है जिसमें आपको 8
करना है। अब आप मुझे यह संख्या बताइए कि आप इस ऑप्शन के अंतर्गत कौन सी संख्या थी जिसके आप सोल्व कर सकते हो। यहां आपके पास पांच अंकों की 10,000 संख्या आ गई। अब 10,000 की संख्या के अंतर्गत कौन सी तो आठ ए डिजिबिलिटी रूल खेला था इसमें। आठ की डिजिबिलिटी रूल से यह क्वेश्चन सोल्व होता है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपके पास 2010 से वो संख्या आ जाती है जहां आपके पास एलसीएम कितना आता है। इस संख्या का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम आपके पास आ जाता है इन संख्याओं का एलसीएम 2184 के अंतर्गत। आप 2184 के अंतर्गत आप 8 का डिवाइड करोगे, ठीक है। जो आपके पास 8 का डिवाइड आएगा उस संख्या के अंतर्गत वह संख्या ऐड करनी है। ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है शेष, जहां शेष अगर बचता है तो सही है, नहीं इसका लगभग मेरे हिसाब से नहीं बचना चाहिए। 8 3 21, 8 4 20 8 9 16 64, इसका रिमाइंडर नहीं बचता है। इसका लगभग यहां 9, ये क्वेश्चन लगभग यहां 920 कुछ आंसर आएंगे इसके, जो आपको इस 10,000 की संख्या के अंतर्गत जोड़ना है। तो 920 यानी 10,920 संख्या यह आपके फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 5 8, 3 5 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। 2 शेष बचता हो। से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 जिसमें हाँ इसमें तो भाग देने पर वही आपके पास 60 आएगा, ठीक है, वही आंसर आएगा इसमें। तो जो आपको पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 3 और 12 का या 3 और 12 के विभाजिकता का नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, जिसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही थी। अब आपको एक अलग कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कोई आपको संख्या दे दी जाती है उन संख्याओं के अंतर्गत आपको निश्चित कैटेगरी दे दिया जाता है जहां आपको यह पूछा जाता है कि 2000 या 3000 के मध्य में कौन सी संख्या है जिसमें इतने का भाग देने पर या मल्टीप्लाई या एलसीएम निकालने पर आपके पास संख्या आ जाती है, और दोनों को विभक्त कर भी दे दिया जाता है कि आप इस संख्या को इतना विभक्त करने पर यह प्राप्त होता है और उसको इतना विभक्त करने पर यह प्राप्त होता है। तो यह आप क्वेश्चन की सहायता से समझना का टेस्ट करोगे। तो आप क्वेश्चन की सहायता से समझे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 1000 से 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसमें 30, 36 और 80 से विभक्त करने पर, 30 ऐसी कोई संख्या है जिसमें 30, 36 और 80 से विभक्त करने पर आपके पास 11 शेष बचते हैं। अब देखो क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है यह क्वेश्चन। यही कहना चाहता है कि आपको कोई क्राइटेरिया दे दिया जाता है, भाई यह क्वेश्चन है जिसमें 1000 से लेकर 2000 के बीच की संख्या है जिसमें 36, 30, 36 और 80 का विभक्त करने पर आपके पास शेष पर 11 बचता है, तो वह संख्या
कौन सी है, वह संख्या आपको निकालनी है। तो आप मुझे यह बताइए कि 30, 36 और 80 का एलसीएम क्या होगा। 30, 36 और 80 का एलसीएम क्या होगा। अब यहां 8, 9, 72, 36 गुणा 72 15, देखो 15 इंटू 2 यहां देखना, 18 इंटू 2 और 80 36 यानी 72 इंटू 10 यानी आपके पास 720 एलसीएम आ जाएगा इसका। 720 एलसीएम आया है इसका, 30, 36 और 80 का 720 एलसीएम। 720 इंटू यहां 2 भी सही बच रहा है और बच रहा है 2, तो आपके पास 2 और आ गया, 1420 इसका एलसीएम आया। किनका आया? 1420 एलसीएम आपके पास 30, 36, 80 का एलसीएम आया है, जहां आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो आप मुझे यह बताइए कि आपको कैटेगरी कितना दे रखा था, 1000 से लेकर 2000, ठीक है। आपके पास एलसीएम कितना आया, आपके पास एलसीएम आया 1420। तो मुझे यह बताइए कि वह संख्या तो आ रही है, अब यहां विभक्त करने पर, वह संख्या को विभक्त करने पर आपके पास शेषफल कितने बच रहे थे, वह शेषफल आपके पास 11 शेषफल बच रहे थे। आप इस शेषफल को अंतर्गत जोड़िए तो आपके पास 14 3 31, वह संख्या आपके पास 1431 संख्या है जिसके अंतर्गत, सॉरी के अंतर्गत यह कितना हो रहा है, 40 1451। देखो मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक को सुधारना मिलने में चाहिए, मनुष्य मानव का पुतला है, गलतियों का पुतला है, जिसमें अनेक प्रकार की गलतियां होती रहती है। आप यहां ध्यान दे दिया, बढ़िया है। क्या अब देखो, अब क्वेश्चन आपको सेट हो गया कि 1000 से 2000 के मध्य में संख्या कैटेगरी दे दी गई है, जिसमें 30, 36, 80 से विभक्त करने पर 11 से शेषफल बचता है। 30, 36 और 80 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 720 इंटू जहां आपको कैटेगरी करना है वहां संख्या आपको 1440 संख्या आपका एलसीएम आ रहा है। उस 1440 एलसीएम जहां 1000 से 2000 के मध्य संख्या है, उस आपको पता है कि वह आपके पास कौन सी संख्या थी, वह विभक्त पूछ रहा है। आपको पैटर्न याद होगा कि यहां कौन सा पैटर्न याद कर रहा है कि एलसीएम प्लस जो आपके पास शेषफल रिमाइंडर था, वह एलसीएम वह आपका पैटर्न काम कर रहा है, यही काम कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत, अब देखो कितने क्वेश्चन है उसके अंतर्गत कैटेगरी दे दिया, फिर वहां आपको आंसर पूछ रहा था। ये एलसीएम बराबर ये पैटर्न है एलसीएम प्लस शेषफल, ये ध्यान में रखने की बात है। ये अनेक प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, कोई क्वेश्चन है आपके पास 200 अभाज्य, भाई आपके पास क्वेश्चन है कि 200 अभाज्य अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का ₹475 है, 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ₹475 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो उनका एलसीएम क्या होगा। यह आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहां से अभाज्य संख्या आ जाती है को प्राइम, दो संख्या है और इनका गुणनफल 675 है और आपको एलसीएम पूछा जा रहा है, तो मुझे यह बताइए कि यहां एलसीएम है को प्राइम है। आपको यह भी एक बात ध्यान देने की होगी है, जिस प्रकार इसका को प्राइम का मतलब क्या होता है, एक तो खुद हो, एक तो सम में रहे, और जहां
आपको खुद की संख्या के अंतर्गत स्वयं का भाग जाता हो, स्वयं डबलअप का भाग जाता हो, वही संख्या अपने आप अभाज्य संख्या के अंतर्गत चली जाती है और अपना इस एक को भी जोड़ के साथ ले ली जाती है, तो उसे हम को प्राइम की संख्या के अंतर्गत जोड़ देते हैं। तो यहां एक तो यह बात हुई और दूसरी संख्या आपके पास दी है कि 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 675 है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन संख्याओं का मतलब जो आपके सह अभाज्य संख्या दी जाती है, जो सह अभाज्य संख्या दी जाती है उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। सह अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल दिया गया है, जो ये गुणनफल आता है वही उसका एलसीएम आता है। तो इसका एलसीएम वापस क्या आता है, 675 ही इसका आंसर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां किस प्रकार से क्लियर हो रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको महत्वपूर्ण बात यह रखनी है कि को प्राइम क्या हो, को प्राइम क्या है, यह को प्राइम शब्द की व्याख्या आप अच्छी तरह से जान जाते हो तो यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही है क्वेश्चन क्या, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको अनेक क्वेश्चन और करा था। यह तो साधारण क्वेश्चन है, अब मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास वर्गों के अंतर्गत संख्या दे दी जाती है, स्क्वायर के अंतर्गत, स्क्वायर के अंतर्गत संख्या दे दी जाती है, उस स्क्वायर के अंतर्गत संख्या दे दी जाती है, उस संख्याओं को मतलब उन संख्याओं का हमें न्यूनतम संख्या का मान पूछ लिया जाता है, न्यूनतम या अधिकतम संख्या पूछी जाती है, न्यूनतम या अधिकतम संख्या पूछी जाती है, जिनमें आपको संख्या दी गई भी होती है, दी गई संख्या हो। तो भाई आपको पूछ रहा क्या है, आपको यह पूछ रहा है कि कोई आपको पूर्ण वर्ग की संख्या है, जो संख्या है उसमें पूर्ण रूप से विभाजित करने पर, पूर्ण रूप से विभक्त करने पर आपके पास वह न्यूनतम से न्यूनतम या अधिकतम से अधिकतम संख्या कौन सी होगी, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वह किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे आप एक दो बार तो आपका वह क्वेश्चन अपने आप से समझ में आ जाएगा। और मैथ में यही है कि आप थ्योरी पर, भाई आप थ्योरी पर ध्यान न रखकर आप प्रैक्टिस के अंतर्गत ध्यान रखोगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लो आपके पास आगे क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्ण रूप से विभक्त हो। अब यहां आपको लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंतर्गत समझना है, भाई इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे 12, 15 और 25 का एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। तो आप इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे, जो एलसीएम निकलेगा भाई, आपके पास जो एलसीएम निकलेगा उस एलसीएम को पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत ही निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत ही निकालोगे, जिससे आपको वह सोल्व हो जाएगा और आपको आसानी से होगा। आप मुझे यह बताइए कि आप यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, और आगे क्वेश्चन देखो, 3 × 5 यानी 15, 3 × 5 तो 5 तो यहां आ रहा है, तो 3 यहां उतर है। ठीक है, अब 12 तो यहां 3 × 12 3 × 12 तो 3 तो वहां उतर चुका है और 4 यहां बचा। तो आप मुझे यह क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देखो, यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा
कि किस प्रकार से समझ में आना चाहिए और किस प्रकार से हैंडल करना होगा। कि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या ले ली जाता है, पूर्ण वर्ग है तो आपको आंसर भी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी आपको जो वर्ग की संख्या आती है, स्क्वायर की संख्या आती है, उस स्क्वायर की संख्या के अंतर्गत ही आपको आंसर निकालना है सब। स्क्वायर के अंतर्गत ही वह संख्या को आंसर निकालना, आप किसी भी प्रकार से जाइए। अब यहां आपको देखो 25 है, 3 है, इंटू 4 है, तो 25 का आपके पास स्क्वायर, हम 25 को 5 का स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल अवश्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पास 3 पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं हो तो आप अपने मन से 3^1 लिख सकते हो, इंटू 2^2। 2^2 क्यों लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 आता है। इसी प्रकार जहां आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी हो, भाई यहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है लेकिन आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो आप क्या करोगे, जबरदस्ती आपको उनको पूर्ण वर्ग संख्या बना देना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो आप यहां 25 × 9 × 4, तो 25 × 9 = 4, तो 25 होगा 100, 100 × 9 = 900। ये आपका फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन समझने का फायदा क्या था और क्वेश्चन नहीं है उनके न समझने का फायदा क्या है, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ क्वेश्चन समझने की सबसे बेस्ट पॉलिसी ये है कि आपको वो संख्या लिखनी है और उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत जाना है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत जिस संख्या का आपका वर्ग बन रहा है उस संख्या को आप अच्छी तरह से उतारिए, ठीक है। हमारे को पता है कि इसका एलसीएम 5 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर अभी नहीं बन रहा है क्योंकि इसकी पावर में कुछ संख्या नहीं है, 2 का स्क्वायर 2^2 बन रहा है, ठीक। आप इस संख्या को पावर में बराबर करने के लिए आप जबरदस्ती इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद आप उस संख्या को मल्टीप्लाई कर दो और वही आपका फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो। देखो ये बहुत बड़ी संख्या दे दी आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, पूर्ण रूप से विभक्त हो, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। अब मुझे आप यह बताइए इस संख्या के अंतर्गत आपका एलसीएम क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या उतारी, 8 उतारा, ठीक है, आप 8 संख्या को उतारा है, तो मुझे आप यह बताइए देखो आपका 2 का स्क्वायर बन रहा है ना, यहां पे देखो आपका 2 का स्क्वायर यह बन रहा है, 2 का स्क्वायर यह बन रहा है, ठीक है, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 ये भी बन रहा है, 5, अब 5 की संख्या 1 बच रही है, ठीक है, यह संख्या आपको बच रही है, जो आपको संख्या बच रही है ना उन संख्या को आप अलग से एक बार नोट करो, भाई यह आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है और यह संख्या आपका स्क्वायर में नहीं बन रही है। देखो आपका 2 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 3 × 6 = 2 × 2 = 2 3 या 1 बार संख्या बन रही है और 2 या, अब देखो यहां आप अच्छी तरह से गुणा कीजिए इस संख्या को कि आपके पास कौन सी संख्या क्या आ रही है, तो यहां आपके पास 3 × 5 मतलब 2 हर संख्या के अंतर्गत आएगा, 2 अंतर्गत आएगा, 3 या नहीं आ रहा है और 5 या नहीं आ रहा है, तो आप 2 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 यहां इसमें भी था तो 3 कि 2 आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, और 3 यहां पावर में 1 था और 5 यहां 1 पावर में था, तो मुझे यह बताइए कि आपको स्क्वायर नहीं कर, आपको करना क्या है भाई, आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है और पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो आपके पास 2 कितनी बार थे, 2 तो 1 और 3 बार थे, 3 बार थे, इसको आप पावर के अंतर्गत संख्या के डालिए, तो 2 × 4 × 3^2 × 5^2 तो यह आपके पास आ जाती है 2, 4, 6, 8, 16 × 9
इंटू पच्चीस, 16 इंटू नौ 144, 144 इंटू पच्चीस पांचों का 20, पांचों का 20 और 20 36, 3600, वह संख्या आपके पास 3600 प्राप्त हुई है। कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? तीन पांच, तीन चार पांच है, आठ का पूर्ण वर्ग से विभक्त करने पर वह संख्या आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो आप बड़ी संख्या का निकालो, एलसीएम निकालोगे आप आठ रखोगे, या तीन, यहां देखो तीन इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है तो तीन उतारा, ठीक है, दो इसमें आ रहा है दो इसमें भी आ रहा है तो यहाँ पांच आ रहा है तो पांच इसको उतारे, ठीक है, आप दो की पावर आठ इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसको सम संख्या के अंतर्गत ही कार्य करोगे, ठीक है, सम संख्या के अंतर्गत ही कार्य करोगे, जिससे आपकी इक्वेशन सरल और इजी होती जाए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप से बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि वह किस प्रकार से टाइप बढ़ता है। दो प्रकार की संख्या दे दी जाती है और उन दोनों संख्याओं के अंतर्गत अंतर पूछ लिया जाता है। अंतर पूछने के बाद आपको एलसीएम दे रखा है कि वह संख्या इतना है, उनका एलसीएम निकालने पे पास यह शेष पर बताता है। तो वहां देखो आप किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आता है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कन्वेक्स है 12, 15 और 16 से भाग देने पर बारह पंद्रह सोलह से भाग देने पर सात दस ग्यारह शेष बचते हैं, सात दस ग्यारह शेष बचते हैं, तो वह आपको सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है। तो आप मुझे यह बताइए इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको, क्या इसको, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि 12 आप संख्या को, दोनों संख्या को इक्वेशन को उतारो, 12 15 आपको यही अंतर नजर दिखाई देगा, 16 7 10 11 यहां आपके पास अंतर 5 का आ रहा है। अरे यही आपका एल काम करेगा सर, कि यही आपका जो आपका शेष बच रहा है, यह शेष बच रहा है कॉमन फैक्टर के अंतर्गत, यह शेष बच रहा है कौन सा 5। अब इस संख्या का आप लघुतम लीजिए, आपको जो संख्या दे रखी है उसी का आप एलसीएम लोगे, तो यहां सबसे बड़ी संख्या 16 है इंटू 5 3 15 यानी 5 यहां जाएगा, ठीक है, 16 5 80 और यहां 72 80 8 6 72 यानी 16 5 80 2 का यह जा रहा है तो 3 बचा, 80 और 8 3 24 240 यह एलसीएम आई, इस संख्या का 240 यहां एलसीएम आया। अब इस एलसीएम के अंतर्गत आपका पैटर्न यहां कार्य करता है, पैटर्न क्या था, आप सबसे पहले क्या जोड़ रहे थे, एलसीएम से 5 जो शेषफल थे उसको जोड़ रहे थे, ठीक है, उसी को जोड़ रहे थे, तो यहां सर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है कि जो भी आपके पास एलसीएम या एचसीएफ आता है उस संख्या के अंतर्गत एचसीएफ को, यानी जो आपका शेषफल आता है उसको घटा दीजिए, तो आपके पास वह संख्या कौन सी आई, 240 के अंतर्गत 5 या शेषफल बचे अंतर आया, उस अंतर को घटाने पर आपके पास 235 फाइनल रिजल्ट आया, और यही आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या यही रहेगी, कोई संख्या में चेंज परिवर्तित नहीं होगा। अब इसी प्रकार लगे आज एक क्वेश्चन और करवा देता हूं कि कौन सी क्या, फिर इस क्लास को यही एंड करता हूं। वह संख्या देखो आप
कौन सी है? 15 और 25 और 35 और 45, ठीक है। 15, 35, 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर, आपके पास शेष फल 7, 17, 27, 37 ये शेष फल बच रहे हैं। कि आपको यह भाग देने पर आपके पास ये शेष फल बच रहे हैं, तो आपके पास अंतर कितनी संख्या का आना चाहिए? तो 15, 8 का अंतर आ रहा है, यहां 8 का अंतर आ रहा है, तो आप उस संख्या का गुणनफल निकालिए जहां एलसीएम आपको दिखाई देता हो। आप 45 इंटू, आप देखो 7, 7 पंजे 35 है ना, तो 7, 5 होगा 25, यानी यहां 5 की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, और 5 की 15, 5 की 15, जो 15 तो 3 का तो ये गुणा कर रहा है और 5 का ये कर रहा है, तो आपको 7 इंटू 5, अब 5, 7, 35, 45 45 इंटू 35 से आप गुणनफल करोगे तो लगभग 5 25 25 2 इंटू 17 1 37 28 7 15 1575 ये आपका एलसीएम है। एलसीएम आने के बाद आपको क्या करना है, पैटर्न के अंतर्गत आपको देखना है, पैटर्न के अंतर्गत कि एलसीएम के अंदर से शेषफल घटाना है, तो शेषफल आपके पास कितने आए, 8 आए, तो आप 15 यानी यहां कितने बचने चाहिए, 8 घटाओगे 15 में से, तो आपके पास 67 यानी 1567 फाइनल रिजल्ट आंसर रहा, ठीक है। इसी क्लास को मैं मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूं, और यदि इन क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत आती है तो आप रिफ्रेश होकर अच्छी तरह से फिर से क्लास लीजिए, और यदि कोई त्रुटिपूर्ण दोष पाया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा ले, और आपका सपोर्ट ही मेरी ऊर्जावान रहेगा, तो आप मुझे हर प्रकार से हर तरीके से आप सपोर्ट करते रहे, जिससे अनेक प्रकार के अच्छी तरह से मैं आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊं, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और आपका भी हौसला बढ़े। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।